अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग ये देखिए मिशू को हम बाहर से आए हैं अभी और मिशू घर में नहीं आना था तो कॉरिडोर में भाग रही थी और यहाँ पर मीशो वलीना थोड़ा खेल रहा है और इफ्तारी का टाइम हो गया है थोड़ा काम से बाहर गए थे हम लोग तो आते आते हो गया है लेट और टाइम अभी हो रहा है छः देखिए छः बजने जा रहा है पौने छः हो रहा है और यहाँ पर इफतारी होती है पौने सात बजे पौने सात के करीब करीब तो एक घंटे से भी कम टाइम है मेरे पास और हस्बैंड बोल रहे बाहर से इफ्तारी मंगा लेंगे बनाने मत जाओ लेट हो जाएगा फिर इफ्तारी करने में हम लोगों को तो मैंने बोला नहीं रोज़ा रख के मन नहीं कर रहा है बाहर से कुछ मंगा के खाने का क्योंकि हेल्दी भी नहीं होता है फिर आप सारा दिन रोज़ा रख के इस तरह से खाना बाहर का अच्छा नहीं लगता है तो मैं सोच रही थी थोड़ा कुछ चटपटा ही बनाया जाए आज तो मैं यहाँ पर ना पुचका के लिए पुचका मतलब पानीपूरी को बोलते हैं पानीपूरी मतलब कोलकाता में पुचका बोलते हैं पानीपूरी को तो मैं आलू बॉयल कर रही हूँ उसके मसाले के लिए साथ में मैंने अंडा डाल दिया है अंडा का मैं पकौड़ी बनाऊँगी बेसन में डाल के और साथ साथ चना भी मैंने डाल दिया है चना एक्चुअली पुचका में भी चाहिए मुझे थोड़ा आलू के मसाले में डालने के लिए और अलग से भी बनाऊंगी तो इसलिए मैंने चना में थोड़ा नमक ऐड करके इसे बॉईल कर देंगे और दोनों ये पक रहा है जब तक मैं फ्रूट्स कट कर लूँगी यहाँ पे फटाफट तो एक्चुअली मैं कोलकाता स्टाइल इफ्तारी बना रही हूँ आज और एक घंटे से भी कम टाइम में ये रेडी हो जाता है क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल सी रेसिपी है बट खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो अगर आपको कोई रेसिपी पसंद आई तो आप ट्राई करना इसमें से तो और ना हम कोलकाता स्टाइल अफतारी में फ्रूट्स यूज़ होता ही होता है मतलब फ्रूट स्किप नहीं किया जाता और चाट वगैरह फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाते ज़्यादातर कट फ्रूट्स ही खाया जाता है तो मैं वही कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एप्पल वगैरह कट कर रही हूँ और एप्पल कट करने के बाद मुझे याद आया रे मेरे पास तो एप्पल कटर था मैं क्यों इतना मेहनत कर रही हूँ छुरी से साफ कर रही हूँ एप्पल को तो फिर खैर कभी कभी ना मतलब हो जाता है हड़बड़ी में दिमाग काम नहीं करता है तो इस तरह से मैंने एप्पल्स भी कट कर लिए हैं और थोड़ा सा ये ऑरेंज वग़ैरह कट कर लूँगी मैंगो कट कर लूँगी थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर फ्रूट्स बच जाए ना फिर कोई खाना नहीं चाहता तो वेस्ट हो जाता है इसलिए और जो बच जाता है हम शेरी में फिर खा लेते हैं ये पाइन कल का है तो किसी ने खाया नहीं था तो मैंने रख दिया था और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसन घोल लूँगी क्योंकि पकोड़े वगैरह बनाने हैं तो पकोड़े मैं बहुत कम बनाती हूँ वैसे क्योंकि पता है आप लोगों को हस्बैंड ऑयल का इतना खाते नहीं है कुछ तो यहाँ पे आलू बॉईल हो गया है आलू और एक मिनट होगा तो हो जाएगा आलू और यहाँ पे बेसन में मैं सिंपल सा मसाला ऐड कर रही हूँ नमक हल्दी और मिर्च बस इसे मिक्स कर लेंगे से अच्छे से मिक्स करने और मैं सोडा ऐड करना भूल गई थी बाद में मैंने ऐड किया था और यहाँ पर आलू अंडा हो गया है तो इसे निकाल लेंगे मतलब पानी स्ट्रेन कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक मैं दूसरा इफ्तारी सब बनाऊंगी वो ठंडा हो जाएगा और वैसे भी पुचका मैं लास्ट टाइम बनाऊंगी क्योंकि वो अगर इफ्तारी के टाइम पे नहीं भी बन पाया ना तो उसे बाद में बनाकर खा सकते हैं इफ्तारी के बाद तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है जो मैं भूल गई थी और बाद में पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे तो बेसन का अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ज़रा भी लम्स रह गया ना तो मज़ा भी नहीं आता है और हमें अच्छे से मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा एयर फॉर्म होने लगता है बेसन में तो उससे ना और पकौड़ा व जो जो भी आप बना रहे हो बेसन का चीज़ वो अच्छे से बनता है फुला फुला बनता है और खाने में बहुत मज़ा आता है तो मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और इसका कंसिस्टेंसी ना मोटा चाहिए ना पतला बिल्कुल इस तरह से चाहिए और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये जिस चीज चीज़ से पोहा बनता है ना फ्लैट एंड राइस जो होता है उस चीज़ से बना रही हूँ मैं बहुत अच्छा सा रेसिपी है ये आप ज़रूर ट्राई करना इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कोकोनट इससे पहले मैंने धो लिया है अच्छे से ऐसा सॉफ्ट हो जाता है धोने से उसके बाद उसका पानी मैंने झाड़ लिया है और इसमें ग्रेटेड कोकोनट फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट ऐड करूँगी और एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि फ़्रेश कोकोनट मिलता है ग्रेट किया हुआ और यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ शुगर आप थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा बट मैं थोड़ा कम ही ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा कोकोनट यहाँ पे फ्रेशली मतलब ग्रेटेड कोकोनट मिल जाता है बट इंडिया में तो मैनुअली हाथ से निकालना पड़ता है मतलब वहाँ पे इस तरह से अवेलेबल नहीं होता है आ, मतलब बिग बाज़ार वगैरह मिलते होंगे बट वहाँ पे इतना दूर कौन जाएगा बोलकर घर पे लोग निकालते हैं बट ये यहाँ पे बना बनाया मिलता है तो लाइफ थोड़ी ईजी है यहाँ पर तो बस मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि चीनी हमारा डिजॉल्व हो जाए और यहाँ पर ना मैंने ये बैंगन को थोड़ा सा मैंने धो लिया अच्छे से और इसे पोछ लूँगी ताकि कोई भी मॉइस्चर ना रहे बैंगन में अगर बैंगन में थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा ना तो फिर वो कोट नहीं होता है बेसन उसमें बेसन पकड़ता नहीं है बैंगन में तो मैं यहाँ पे सो, मैंने सोचा था ये ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी बट ये काम नहीं कर रहा है ग्रेटर सही से, से तो मैं हाथ से ही पतले पतले पीसेस काट लूँगी और पतले पतले पीसेस ही करने हैं अगर मोटा अगर काटोगे ना तो अंदर बैंगन गलेगा नहीं और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा तो थिनली स्लाइस करना है हमें तो हाथ की मदद से मैंने बैंगन को देखिए एक छोटे से बैंगन कितना सारा स्लाइस बन गया है तो आप समझ सकते हो कितना पतला पतला मैंने काटा है और बस इस टिशू के ऊपर इसे रख दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो वब्ज़ॉर्ब हो जाए ऊपर से भी एक टिशू रख दूंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट तो मतलब चीज़ है करना ही करना है नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बनता नहीं है पकौड़ा और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चना तो चना के लिए मैंने हल्का सा ऑयल ऐड कर दिया बहुत तो थोड़ा सा ऑयल चाहिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना और मैंने मोटा मोटा इस तरह से अनियन काट लिया है यहाँ पर डाल दिया है और थोड़ा सा झिजर गार्लिक पेस्ट मैंने पानी ऐड करके डाला है क्योंकि पैन बहुत गर्म हो गया है जल जाएगा इसलिए तो हल्का सा चला लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सारे सूखे मसाले जो भी बेसिक मसाला हम यूज़ करते हैं धनिया जीरा चिली पाउडर कुरियन पाउडर सॉरी टमेरिक पाउडर एंड गर्म मसाला पाउडर तो बस सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से थोड़ा पका लेंगे और हमारा मसाला पक गया है तो इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और पानी ऐड करके ना चने को भी इसमें ही पका लेंगे चना ऑलरेडी पका हुआ है हमारा बट थोड़ा सा ना मसाले का जो फ्लेवर चने में आ जाएगा इस तरह से पानी में आप थोड़ा डाल के पका लोगे तो तो बस मैं इसमें ऐड कर रही दूँगी बहुत सिंपल सा चना रेसिपी है बट बहुत बहुत मज़ेदार मज़ेदार लगता है खाने में और चटपटा सा बनता है मतलब इसमें नींबू वगैरह ऐड करेंगे बाद में तो बस मैंने इसे में पानी डाल दिया है थोड़ा सा और दो तीन मिनट में ना इसका पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा थोड़ा सा फ्लेम को लो करके पका लेंगे और साइड में मैंने पैन रख दिया है वह तेल गर्म होने के लिए हमें बेगुनी बनाना है वो जो बैंगन का पकौड़ा है ना उसे बंगाली में बेगुनी बोलते हैं तो वही बनाना है और यहाँ पर देखिए हमारा चना हो गया है पानी सूख गया है तो मैंने कोरिंडल लीव्स ऐड कर दिया है और साथ साथ ऐड कर देंगे लेमन जूस थोड़ा सा तो बस ये डालकर थोड़ा मिक्स कर लेंगे और हमारा ज़बरदस्त सा चना रेडी हो गया है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और इसका अनियन फुली कुक नहीं होता है हाफ कुक रहता है और खाने में बहुत मज़ा आता है चने के साथ तो अभी लग रहा है मुझे थोड़ी बहुत थोड़ी राहत मिल गई मतलब इतना जो हो बन गया ना कि चलो इफ्तारी करने के लिए कुछ तो हो गया और मैं यहाँ पर फटाफट अब फटा तेल भी गर्म हो गया है तो मैं पैंगन को बना लूँगी थोड़ा सा मैंने फेट लिया है बेसन को बनाने से पहले फिर से और इसमें डिप करेंगे अच्छे से और एक्स्ट्रा जितना भी बेसन है ना हम उसे निकाल देंगे क्योंकि हमें बिल्कुल पतला सा ये चाहिए कोटिंग चाहिए इसके ऊपर बहुत मोटा कोटिंग करेंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा तो थिनली कोटिंग कर दिया है बेसन का हमने और इस तरह से हम डालते जाएंगे कोलकाता में तो ये बेगुनी बहुत फेमस है घर घर में बनाया जाता है बहुत खाया जाता है और वहाँ रहती थी तो बहुत खाती थी यहाँ पे इतना नहीं बनाती हूँ तो इस तरह से ना बस उलट पुलट के हम इसे बना लेंगे और पूरा कोलकाता स्टाइल इफ्तारी बन रहा है आज कोलकाता के जो लोग हैं रिलेट कर पाएंगे इस इफ तारी से तो बस बैंगनी हमारा बन गया है और हिंदी में बैंगनी बोलते हैं बंगाली में है बेगुनी बोलते हैं तो बस निकाल लूँगी इसे और देख के आप समझ सकते हो कितना यमी लग रहा है और साथ साथ मैंने तेल गरम था तो अलीना बोल रही थी मम्मा मुझे नहीं खाना अलीना नहीं खाती है बैंगन का ये बैंगन मतलब बैगनी तो बोल रही थी मुझे समोसे चाहिए तो मैंने समोसे और थोड़े से स्प्रिंग रोल्स डाल दिए जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में इसकी रेसिपी शेयर की है आपके साथ अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ चेक कर सकते हो रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में और यहाँ पर मैं साथ साथ बेसन में थोड़ा सा अंडा इस तरह से मैंने हाफ कर लिया है इसे भी इस तरह से बेसन में लपेट के डाल दूँगी इसके ऊपर आलू भी लगा के जा बनाया जाता है आलू हल्का सा डाल के ना फिर बेसन में लगाया जाता है बट मेरे पास टाइम नहीं था इतना तो फुल अंडे का शेप आ जाता है हाफ आलू और ऊपर हाफ अंडे का रहता है तो कभी दिखाऊंगी मैं बाद में जब बनाऊंगी आज तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास तो ये हमारा पकोड़ा वगैरह रेडी हो गया है और इफ्तारी ऑलमोस्ट बन गया है और सिर्फ अभी पाँच मिनट बन बच गए मतलब तो पाँच मिनट में मुझे अपना पापड़ी चाट बनाने का ही बहुत मन था क्योंकि सेम मसाला और सेम आलू वगैरह से बन जाता है बट पाँच मिनट में एक ही चीज़ बन सकता है या तो पानी पूरी या तो पापड़ी चाट तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पानी पूरी उसके लिए मैंने जीरा और सूखी मिर्च को रोस्ट करके इस तरह से ग्राइंड कर लिया है ये जो है ना इसे भाजा मौसला कहते हैं बंगाली में रोस्टेड मसाला मतलब ये ऑलमोस्ट हर चाट में यूज़ होता है मतलब कोलकाता स्टाइल चाट में तो मैं और देखिए अलीना ने टेबल सेट कर दिया है तो अलीना मुझे हेल्प कर रही है यहाँ पे और मीशो सबसे पहले मीशू बैठ जाती है भले वो खाए ना खाए और पापड़ी चाट के लिए मैंने पापड़ी रेडी रखा था यहाँ पे सजा कर बट मुझे नहीं लगता है मैं कर पाऊँगी तो मैं पापड़ी स्किप कर रही हूँ पापड़ी चाट में मैं पानी पूरी बना दूंगी फटाफट क्योंकि टमाटर वमाटर काटना है पापड़ी चाट बनाने के लिए तो टाइम लग जाएगा तो आलू मैंने अलग कर दिया है थोड़ा एक साथ ही मैंने बॉयल किया था दोनों बनाने के लिए बस इसे थोड़ा मैश करके इसे मसाला बना लेंगे पहले पुचका का तो पुचका का मसाला बनाने के लिए आलू को दर दरा सा मैश करना है बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना तो इस तरह से मैंने मैश कर लिया यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लम्स रहेगा ना आलू में तो मज़ा आता है खाने में तो बस यहाँ पर मैं ऐड करूँगी काला नमक और साथ साथ चाट मसाला ये बिल्कुल ऑथेंटिक कोलकाता स्टाइल पुचका है और यहाँ पर लेमन जूस हल्का सा डालूँगी और साथ साथ डालेंगे यहाँ पे ये जो भाजा मसाला बनाया ना हमने भाजा मसाला ये डाल देंगे वन वन स्पून के करीब करीब डाल देंगे और ग्रीन चिलीज़ अब ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा डाल दो और कुरिंडा लीव्स साथ साथ काला चना जो बॉईल किया था हमने तो एक ही एक ही चीज़ से दो दो चीज़ मैंने बना लिया मतलब इस जैसे बेसन मैंने बनाया तो अंडा भी बन गया पकौड़ी बन गया बैंगनी बन गया फिर साथ में पापड़ी चाटी बन जाता टाइम होता तो सेम मतलब आलू साथ में बॉईल किया था तो बस मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया मतलब मिक्स कर लिया है और ये हमारा रेडी हो गया है पुचका का फीलिंग और अब बनाएंगे पानी तो पानी के लिए मैंने इमली थोड़ा सा भिगो के रख दिया था तो थोड़ा सा इमली लेना है ज़्यादा नहीं नहीं तो बहुत खट्टा हो जाता है पानी तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था तो पानी थोड़ा खट्टा हो गया था या फिर ज़्यादा पानी है तो इमली ज़्यादा लोग कम लोग हैं घर में थोड़ा सा बनाना है तो थोड़ा सा इमली में काम हो जाता है तो बस इसमें पानी मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पुदीना के जो पत्ते हैं ना तोड़ के डाल देंगे इसमें तो फ्लेवर अच्छा आता है उससे और गोंदोराज लेबू मतलब सेंटर्ड लेमन एक आता है ना वो यूज़ होता है इसमें मतलब खुशबू अच्छी आती है बट मेरे पास है नहीं तो मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ जो मेरे पास है कट करके और साथ में डालेंगे ब्लैक सॉल्ट भाजा मसाला जो है वो डाल देंगे साथ में चिली पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हो गया हमारा यमी सा पानी रेडी तो मीठा कुछ यूज नहीं होता है हमारे मतलब कोलकाता स्टाइल में ना यही वाला पानी यूज़ होता है खट्टा पानी यूज़ होता है मीठा पुचका नहीं होता है या दही पुचका होता है वो अलग है बट यही बनता है और साथ में अनियन भी मैं रख दूँगी हस्बैंड को अच्छा लगता है बट नॉर्मली हसब ये यूज़ नहीं होता है अनियन वगैरह यूज़ नहीं होता है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड टच दे रहे हैं मुंबई टच दे रहे हैं पानी को बूंदी डाल दिया है उन्होंने और एक पुचके को ना क्रश करके डाल देंगे आलू में तो थोड़ा और मज़ा आ जाता है खाने में तो इस तरह से उन्होंने पुचके को एक पुचका उठाया क्रश कर दिया है तो ये इफ्तारी हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल टाइम पे बन गया मुझे तो लगा था पता नहीं क्या होगा बस अब एक मिनट ही बचे और अलीना को भूख लगी थी तो अलीना ने दो समोसे पहले ही खा लिए तो बस अजान एक मिनट में हो जाएगी और हमारा रेडी हो गया है और शरबत मैं सोचती थी बनाऊंगी बट नहीं बना पाई तो पानी से ही आज काम चलाते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ तो बस यही था हमारा इफ्तारी सिक्सटी मिनट्स में मैंने रेडी किया है सिंपल सिंपल सी रेसिपी है आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करना थोड़ा थोड़ा अमाउंट बनाएं क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा अच्छा है या नहीं अच्छा है तो फिर से आप ज़्यादा क्वान्टिटियाँ बना सकते हैं और हस्बैंड बोल रहे है, पहले मैं क्या खाऊँ पुचका खा लूँ क्योंकि हस्बैंड को पुचका बहुत पसंद है <laughs> मुझे भी पसंद है वैसे बट उन्हें बहुत पसंद है तो देखिए पहले पे अटैक आप तीखा बीखा ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो बिल्कुल भी आलू के फीलिंग में ना थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी मैंने डाला था तो वो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को और सब कुछ अच्छा बना था आलू भी अच्छा बना था इसका खट्टा जो का जो पानी है वो भी बहुत अच्छा बना था मतलब ये पुचके का पानी अब बनाते वक्त मेरे मुंह में पानी आ रहा था <laughs> हस्बैंड को बहुत पसंद आया मेरे लिए बना रहे पापड़ी चाट रह गया मेरा बहुत मन था पापड़ी चाट ही बनाने का बट टाइम की कमी की वजह से वो रह गया तैयारी पूरी हो गई थी और आपने अगर ये कोलकाता स्टाइल पूछकर ट्राई नहीं किया है तो मस्ट ट्राई है एक बार ट्राई करके देखे आप लोगों को अच्छा लगेगा ये स्ट्रीट स्टाइल पुचका मैंने बनाया है तो बिल्कुल सेम टच दिया है मैंने जैसे मतलब और ये रेसिपी मैंने जो पुचका वाला वहाँ रहते हैं ना उनसे ही मैंने ली थी तो जब भी मेरा मन करता है पुचका खाने का तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से और देखिए बाप बेटी दोनों टूट पड़े पुचके पे अलीना वैसे खाती नहीं है बट हम लोगों का सुनकर ना अच्छा बनाए अच्छा बनाए तो वो भी टेम्प्ट होने लगी तो वो भी बोल रही है मैं एक ट्राई करके देखती हूँ काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ मैं मतलब बाहर गई थी ना बाहर से आते ही पाँच मिनट भी मैं रेस्ट मैंने नहीं किया है और फिर मैं लग गई काम पे मतलब इफ्तारी बनाना था तो कंटिन्यूसली वन आवर मैंने किचन में काम किया है तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई है और जस्ट थोड़ा सा बैठ के इफ्तारी करने पे थोड़ा सा रेस्ट मिला है मुझे किचन पूरा मैस हो गया है मतलब नॉर्मली मैं क्या करती हूँ ना काम करती रहती हूँ और चीज़ों को जगह पे रखती रहती हूँ बर्तन निकलता है तो साथ साथ धो के बर्तन भी रख देती हूँ डिश रैक पर बट अभी बर्तन भी, भी जमा हो गया है सामान पूरा यहाँ वहाँ फैल गया है तो किचन वाइंड अप करना है क्लीन करना है और आज टेंथ रोज़ा हो गया मतलब देखते देखते दिन पानी जैसा निकल जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है फर्स्ट रोजे से आज टेंथ रोजे पर आ गया हम टेंथ रोजा इनफैक्ट कम्प्लीट हो गया है आज तो फिर ठीक है चलिए मैं आज का ब्लॉग फिर यहाँ पे एंड करती हूँ और फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में अपना ख्याल रखिए स्टे सेफ बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज मिशो चेहरा बैठना है आई मिशो मिशो को चेयर बैठना है हाँ क्यों अपने चेहरे में बैठो ना इसमें गिर जाओगी इसे बैठना है तेरे